वाली ग्रुप ज्यादा रहने वाले सोलो और डुअल परफॉर्मेंस नो इज लास्ट टाइम भी कैसा था ना सब इक्वल था मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि मेरे टीम में दो सोलो हो और एक डुओ हो और एक ग्रुप हो ऐसा फिक्स नहीं दो सोलो रहेंगे ऐसा कोई फिक्स नहीं अच्छा यू हैव वन ग्रुप दैट सिद्धि सिद्धि क्योंकि यासीन का ग्रुप है जो लास्ट टाइम आया था एंड कुछ कुछ एक दो खामियों की वजह से कुछ एक दो पॉइंट्स की वजह से वो नहीं हो पाया बट वो लोग ने और कोई शो में गए नहीं एंड वापस ये शो में ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गए एक एक जो लेवल होता है जो एक बहुत बड़ा राउंड होता है ऑडिशन का वो लोग ने वापस इम्प्रूव करके आए एंड कर यासीन टेल अस समथिंग अबाउट योर ग्रुप पूरे शो की जर्नी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी उसमें बोलो ना माइक में पीछे हम लोगों की जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी रही पहले सबसे पहले हम लोगों ने इंदौर में ऑडिशन दिया था इंदौर ऑडिशन क्लियर करने के बाद फिर हम लोग को मुंबई बुलाया फिर मुकाम ऐसा आया कि हम लोग सिलेक्ट हो गए नेक्स्ट लेवल के लिए और ये बहुत ज़्यादा टफ रहा क्योंकि हर एक ग्रुप कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहा था क्योंकि फर्स्ट सीजन लोगों ने देखा जैसे सर ने बताया तो ऑडिशन नहीं देते थे कि नहीं यार अपना जो टैलेंट है वो हर कोई पहचान नहीं पा रहा लेकिन जब फर्स्ट सीजन बहुत ज़्यादा अच्छा गया हिट गया तो लोगों ने सोचा कि यार हमें तो जाना चाहिए यार तो सेकेंड सीजन इतना ज़्यादा इतना सोलो डुएट सब में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन से इतना ज़्यादा कि कितनी बार से तो है ना एक दूसरे को देख के भी ऐसा होता है कि यार ये हमारे कॉम्पिटिटर फिर थोड़ा लगता है कि नहीं यार ये हमारे कॉम्पिटिटर मतलब खुद की थिंकिंग चेंज हो जाती है दूसरों को देखे कि यार ना यार ये भी कॉम्पिटिटर है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हम लोग वहाँ पर इंजॉय करने में और कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा बोलूँगा वाट लग रही है कैसे सिलेक्ट किए उनको खुद को भी और वो भी पर्सनली मिलता तो बोलते यार ऐसा ऐसा करंट है कि इस बार बहुत मजा आ रहा है इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है आपको पता है कि पुनीत है इस बार सुमित की जगह है तो वो है टॉप 30 में सिलेक्ट हुआ है एंड और एक चेहरा आ जाएगी और एक बंदा है आ जाए यहाँ पर ये मेरी टीम है मानते कि ये भी बहुत प्लस पॉइंट है डांस प्लस है जहाँ पे आप एंड देन शक्ति आप तीनों पिलर्स हो और आई थिंक दिस इज लाइक गुड गाइडेंस जो ऑब्वियसली क्योंकि अभिनीत है काम करती है 5-6 साल से हम लोग शोज कर रहे हैं वॉच शोज कर रहे हैं इवन मूवीज कर रहे हैं उतना तो हम लोग सीखा रहे बट ठीक है बट मुझे ऐसा लगता है कि पुनीत के आने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि पुनीत और शक्ति ने हम तीनों